त्रेता युग में जब राक्षसों का अहंकार चरम सीमा पर था, तब चारों ओर दहशत से दहशत छाई हुई थी। चारों ओर अहंकार की हवा फैली हुई थी, चारों ओर तबाही की आग लगी हुई थी। लंकापति रावण के राक्षसों का अहंकार पूरे धरती लोक में फैला हुआ था। तब सभी देवता एकत्रित होके भगवान शिव के पास जाते। प्रभु हमारी सहायता करें। रावण का अहंकार पृथ्वी लोक में बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, अब आप ही को उस अभिमानी को दंड देना पड़ेगा प्रभु। देवराज इंद्र, रावण मेरा ही भक्त है और मैं अपने हाथों अपने भक्त की हत्या नहीं कर सकता था। किंतु महादेव, उसका अहंकार चरम सीमा पर है। होनी को कौन ही टाल सकता है, उसका वध होकर रहेगा। किंतु आपको भगवान विष्णु के पास जाना होगा इसके लिए सहायता मांगने के लिए। देवराज प्रभु हमारी मदद कीजिए प्रभु, पृथ्वी लोक में घोर संकट आ गया प्रभु, हमारी सहायता करें प्रभु। प्रभु पृथ्वी लोक में रावण का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इंद्रदेव, यह मुझे पहले से पता है और रावण के वरदान से भी मैं परिचित हूँ, और रावण के वरदान में ही उसका अंत छुपा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश कार्य होता है, तब तब मैं आता हूँ और अवतार लेता हूँ। जिन वानर और मनुष्य को रावण तुच्छ प्राणी समझता था, अब वही उसके अंत का कारण बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। और फिर अयोध्या में महाराजा दशरथ के महल में श्री राम का जन्म हुआ, जो आगे चल के रावण की मौत का कारण बनेंगे। श्री राम के जन्म से ही अयोध्या में खुशियां छा गई थी। श्री राम के जन्म के कारण सारे गांव वासी भी धूमधाम से खुशियां मना रहे थे अयोध्या।